गर्मी में निकलते हैं या गर्मी से घर पर आते हैं, आप जरूर 2 मिनट के अंदर ये बनाकर पी सकते हैं, जो कि बहुत। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज हम जो आपके साथ में रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, गर्मियों का मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, तो आज हम जो आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, गर्मियों में ठंडक पाने का बेहतरीन तरीका आप तक हम पहुंचाने आए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गर्मी में भी सर्दी का आनंद लीजिएगा। अगर आप गर्मी में घर से बाहर निकलते हैं तो एक ग्लास बस ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करना, तो आपको ठंडक पूरे शरीर में बनी रहेगी और गर्मी का तो एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाने की विधि। नाम क्या है रेसिपी का वो आपको मैं बाद में ही बताऊंगा, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों, मुझे पता है आपने अभी तक मेरा चैनल जिसका नाम है राहुल कपिल की रसोई अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही नॉलेज आप तक पहुँचती रहेगी, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाने की विधि। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे हैं। तो आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं, एक नई रेसिपी लेके आए हैं, क्योंकि आजकल गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और बहुत ही बेकार गर्मी स्टार्ट हो गई हैं। तो गर्मी में भी आप अपने शरीर में ठंडक पाने का ये एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। आप इसको रोज़ाना एक गिलास पी सकते हैं, तो आपके शरीर में जो ठंडक है वो बनी रहेगी, गर्मी से आप बचे रहोगे। अगर घर से बाहर भी निकलते हैं तो एक गिलास ये शरबत आप पी के ज़रूर निकलिएगा। जो हम बनाने जा रहे हैं ये चीज़ ज़रूर पी के निकलिएगा, तो आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी, गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं ये रेसिपी क्या है जो आप गर्मियों में भी ठंडी का एहसास कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका नाम मैं आपको बाद में बताऊँगा कि हमने क्या बनाया है, तो आप देखते रहिएगा वीडियो लास्ट तक, तभी आपको यहाँ पर ठंडी का एहसास होने वाला है गर्मियों में भी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, यानी कि पुदीना लिया था, इसके पत्ते हमने अलग कर लिए हैं और इनको पत्तों को अलग करके यहाँ पर लेंगे। हमने एक ग्रैंड जार लिया है, ये देखिए, इसमें हम डाल देंगे पुदीने के पत्ते। ये देखिए, पुदीने के पत्ते हमने डाले हैं। यहाँ पर हमने एक नींबू लिया है, इसको हमने काट लिया है नींबू को, ये देखिए, ये हमने ग्रैंड जार में डाल दिया है पुदीना। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं चीनी, यहाँ आप अपने अनुसार चीनी ले सकते हैं, जैसा आप खाते हैं चीनी को, नहीं खाते हैं, बट हमने यहाँ पर 3-4 चम्मच चीनी ली है। ये देखिए, इनको अब हम कर लेते हैं ग्राइंड। देखिए, हमने ग्राइंड कर लिया है पुदीने और चीनी को। चीनी हमने इसलिए ऊपर से इसलिए डाली थी, जो कि पुदीना है वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा और जो चीनी है वो भी अच्छे से घुल जाएगी। ये देखिए, हमने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर हमने लिया है पानी, पानी में हमने डाल दिया है, जो हमने पेस्ट लिया था वो सीधा हमने पानी में डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये हमने डाल दिया है, ये देखिए, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करेंगे, यहाँ पर हमने ली है आइस क्यूब। जी हाँ, ये देखिए, हमने थोड़ा लिया है आइस क्यूब, इसमें हमने डाल दिए हैं पानी के ही अंदर आइस क्यूब। आइस क्यूब का कमाल सबको पता ही है, पानी को ठंडा करने का, और मज़ा ही आ जाता है आइस क्यूब डालते ही पानी के अंदर। यहाँ पर देखिए, हमने नींबू लिया है, जो नींबू का रस है वो हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते रहेंगे यहाँ पर 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट तक ही मिक्स करेंगे, जब तक इसकी आइस क्यूब पूरी पिघल ना जाए। ये देखिए, तो दोस्तों, जब तक आइस क्यूब ठंडी हो रही है, तो जो हमारा चैनल है राहुल कपिल की रसोई, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जैसे ही आपने बना के पिया है आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे कि बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही लाजवाब बना है और गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो रहा है। तो हमने ले लिया है एक जार, अब इसको हम कोटिंग कर रहे हैं लाल मिर्च और नमक से, ये देखिए, जो कि टेस्ट बहुत अच्छा बना देगा। जी हाँ, ये देखिए, हमारी कोटिंग हो चुकी है। ये देखिए, अब जो हमने पानी लिया था, 1 मिनट हो चुका है हमारा, 2 मिनट, तो अभी इनको छान लेंगे पानी को। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से पानी को छान लेंगे। ये देखिए दोस्तों, गर्मी में ठंडी का एहसास होने वाला है, अमेजिंग। तो इनको छान लेते हैं पूरा। ये देखिए, अच्छे से, जो कि हमारा
पुदीने का शरबत बनके बिल्कुल रेडी होने वाला है। इसको आप पुदीने का शरबत बोल सकते हैं, मीठा पानी बोल सकते हैं पुदीने का, ये देखिए जूस भी आप इसको बोल सकते हैं पुदीने का, जो कि पीने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाजवाब लगता है, अमेजिंग। आप गर्मी में बाहर निकलते हैं ना, ये देखिए दोस्तों अमेजिंग, ये देखिए आप गर्मी में अगर बाहर निकलते हैं ना, तो आप अगर एक गिलास ये पी के निकल रहे हो ना, तो आपको गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अभी यहाँ पर देखिए हमारा जो है पूरा हमने इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों अभी ये देखिए हमने डाल दिया है बिल्कुल पानी छान के। अभी यहाँ पर कुछ कोटिंग करेंगे, ये देखिए हम यहाँ पर नींबू कोटिंग कर रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते नींबू का। इसके अंदर डालेंगे हमने कुछ पत्ते डाले थे, आइस क्यूब डाली हमने, यहाँ पर कुछ पुदीने के पत्ते डाल रहे हैं, ये देखिए गार्निश करके अच्छे से पुदीने के पत्ते हमने डाल दिए हैं। यहाँ पर अभी हम डाल रहे हैं स्ट्रॉ, ये देखिए। तो हमारा जो पुदीने का जूस है, पुदीने का मीठा पानी है, नमक पानी है, बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। तो आप आसानी से बनाइए और इन्जॉय कीजिए पुदीना मीठा पानी को, जो कि गर्मियों के लिए बहुत बेहतरीन है, रामबाण इलाज है ये, गर्मियों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो आप गर्मी में निकलते हैं या गर्मी से घर पर आते हैं, आप ज़रूर 2 मिनट के अंदर ये बनाकर पी सकते हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब होने वाला है ये। तो टेस्ट कर लेते हैं और आपको पी के बताते हैं कि कैसा बना है, ये देखिए। दोस्तों मज़ा ही आ गया है, बहुत ही लाजवाब है, आप भी बना के ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ये पुदीने के मीठे पानी को। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, कल मिलते हैं।